हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मैं कोई भी ओपनिंग के ऊपर लगातार कंटिन्यूस पूरी सभी वेरिएशन के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है अगेंस्ट स्क्वॉच डिफेंस। तो स्क्वॉच गैम्बिट जो है e4 अगेंस्ट मतलब e4 e5 की जो लाइन है उससे स्क्वॉच गैम्बिट, ज़्यादातर लोग को परेशानी होती है स्क्वॉच के सामने खेलने में, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे वेरिएशंस के साथ में दो वीडियो बना चुका हूँ। आज मेरा ये लास्ट वीडियो है अगेंस्ट स्क्वॉच डिफेंस। तो ध्यान से ये तीनों वीडियो आप प्रिपेयर करके कोई भी गेम खेलोगे स्क्वॉच के सामने तो सक्सेस ही जाओगे। दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन खेलने में, बुक लेके खेलने में चीटिंग होती है, लेकिन ये चीटिंग नहीं है, दिस इज नॉट ए एंजिन। जब आप बुक यूज करते हो तो वो एंजिन नहीं है, बुक मूव्स है। आप बुक मूव्स कुछ मूव्स तक देख के कर सकते हो और ऐसे ही गेम की प्रिपरेशन होती है ओपनिंग की। तो चार पांच बार अगर आप ये बुक लेके जब ओपनिंग खेलने बैठोगे तो आपकी ओपनिंग एकदम कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी, फिर कभी भी आप मूव्स नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं स्क्वॉच गैम्बिट के बारे में। ये थर्ड वेरिएशन e4 e5 नाइट टू f3 नाइट c6 देन d4, ये होती है स्क्वॉच गैम्बिट। तो सबको पता है स्क्वॉच में नेक्स्ट मूव में हमें पॉन टेक्स पॉन मारना है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मूव जो है बिशप टू c5। बिशप c4 के सामने रिप्लाई देना है आपको बिशप c5। हमने आगे देख लिए है जो c3 वाला वेरिएशन, तो यहाँ आज मैं आपको c3 वाला वेरिएशन नहीं बताऊंगा क्योंकि c3 वाले वेरिएशन हमने तैयार कर लिए हैं। आज एक नए दो लाइन है, एक तो इस पोजीशन में वाइट कैसल कर सकता है और दूसरी जो मेन मूव है बिशप टू g5। तो ये दो मेन मूव है, दोनों के सामने कैसे खेला जाता है पहले देखेंगे। बिशप g5, यहाँ पे हम देखेंगे बिशप टू g5। जब बिशप g5, सिंपल आपको Ng e7 दूसरा नाइट डेवलप करना है। Ne7 के बाद अब मोस्ट कॉमन रिप्लाई है कैसलिंग। कैसल के सामने आपको बिशप को h6 से अटैक करना है। बिशप h4 के बाद सिंपली d6 सॉरी यहाँ पे रुक e1 सेंटर पे अटैक करने का ट्राई करेगा। यहाँ आपको एक ब्रिलियंट मूव बताता हूँ g5। यहाँ पे बिशप के पास एक ही ऑप्शन है बिशप टू g3 देन बिशप e6 आफ्टर बिशप टेक्स e6 एक्रॉस e6 और यहाँ पे c3। अब वाइट को खेलना जरूरी है c3 के बाद सिंपल आप डी टेक्स c3 नाइट टेक्स c3 और क्वीन डी सेवन। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, वाइट खेलेगा रुक c1 और यहाँ पे आपको सिंपल लॉन्ग कैसल कर देना है। अब पोजीशन आप देख सकते हो कि कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में है। सिक्स्थ मूव में चलिए बिशप g5 के सामने तो हो गया, कैसे खेलना है अब देखते हैं कैसलिंग। सॉरी, यहां पे आपको खेलना है d6, वाइट खेलेगा c3 क्वीन f6। अब यहां से दो मूव है दोस्तों वाइट के पास, जो मेन प्रोबेबली मूव है बिशप टू g5, दूसरा मूव है re1। तो पहले देखते re1। re1 में दोस्तों बिशप g4, अब देखो यहां पे बिशप g5 पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज बिशप टेक्स नाइट आफ्टर क्वीन टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप और आप पीस प्लस हो जाते हो। यहां पे बिशप g4 के सामने वाइट को रिप्लाई देना होगा नाइट bd2। nd2 में सिंपल लॉन्ग कैसल, वाइट क्वीन b3 करेगा f7 को टारगेट बनाने के लिए। यहां पे आपको एक बार पॉन टेक्स पॉन कर लेना है, डी टेक्स देन बी टेक्स और सिंपल नाइट टू a5, क्वीन गोज एनीवेयर, सिंपल नाइट टेक्स बिशप और ये पोजीशन भी कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में होगी। आप सिंपल पॉन अप होके आराम से गेम खेल सकते हो। प्लस पॉन ले लिया है आपने तो कंपेंसेशन नहीं रहना चाहिए वाइट के पास। ओके, एक मूव और है
जो मैंने RE1 के बदले आपको बताया कि तुरंत अगर व्हाइट क्वीन पे अटैक करे तो सिंपल आपको क्वीन G6 कर देना है। क्वीन G6 के बाद अगर व्हाइट ने रुक E1 किया तो यहाँ पे बिशप टू G4, अब आप थ्रेट दे रहे हो बिशप टेक्स नाइट और क्वीन टेक्स बिशप की, तो इसको बचाने के लिए NBD2 और यहाँ पे आपको DxC3 आफ्टर Bxc3 फोर्स मूव है। H6 बिशप गोस H4 देन नाइट E7। दोस्तों ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है, आप इस गेम में दोनों साइड कैसल कर सकते हो नाइट की। अब देखो दोस्तों अगर यहाँ पे मानो कि क्वीन B3 इस बी साइड अटैक किया है, सिंपल यू कैन प्ले द B6 एंड देन नो लॉन्ग कैसल, आफ्टर दैट यू कैन डू शॉर्ट कैसल। और आप पोजीशन देख सकते हो कंप्लीटली किंग साइड अटैक है, क्वीन बिशप और ये नाइट भी जल्दी एक्टिव हो रहा है। कैसल होने के बाद आप किंग H8 देन F5 वगैरह बहुत सारे अटैक्स कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी स्क्वॉच गैम्बिट के सामने कैसे खेला जाए गेम, ये तरीका मैंने आपको तीनों वेरिएशन मतलब तीनों वीडियो में बहुत सारे वेरिएशन सिखा दिए हैं। मेरे अगले वीडियो में आपको एक बहुत ही शानदार मतलब कैरोकान डिफेंस जो वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है उसके अगेंस्ट कैसे खेला जाए एक न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ये न्यू ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और सभी की लाइक होनी जरूरी है। आप लोग मुझे लाइक दोगे मेरे वीडियो को तो ही मुझे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।